हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमलेश संधु और विमेन आर्ट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम बनाते हैं आज स्वीट डिश छेना खीर। छेना खीर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये है हमारा मिल्क में 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, और ये हमने जो दूध में 2-3 चम्मच दूध में केसर भिगो के रखा है वो अच्छी तरह हमारा तैयार हो गया है। कॉर्नफ्लोर लेना है 2-2.5 चम्मच, चीनी लेनी है अपने टेस्ट के अनुसार, वैसे आप 4 चम्मच चीनी ले सकते हैं। ये नारियल पाउडर है 2 चम्मच और केवड़ा एसेंस 4 बूंदे, और ये आप दूध लेंगे 1 लीटर। ये लिया हमने 100 ग्राम, 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह चीनी पिघलने तक हम इसको चलाएंगे ताकि हमारा ये छेना बन जाए। अब हम बना रहे हैं ये छेना, चीनी के साथ पकाकर छेना बन जाता है। तो हमें जब तक ये पकाना है, जब तक हमारी चीनी का जो पानी छोड़ के खत्म हो जाता है और सारा पानी सूख जाना चाहिए इसके। देखिए अब ये बिल्कुल चीनी का पानी सूख चुका है और हमारा ये छेना तैयार है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब उबाल आने तक इसका इंतजार करेंगे। दोस्तों अब इसमें उबाल आ गया है। जैसे ही ये उबाल आ जाता है तो हम एक के बाद एक सामग्री इसमें ऐड करते चले जाएंगे। मिल्क मेड डालना है या खोया डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम मिल्क मेड मिलाएंगे तो उसके हमें चीनी के बारे में सोचना पड़ेगा। चीनी हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये भी मीठा होता है। ड्राई फ्रूट्स बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जो आपको कोई भी इनमें से अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नारियल पाउडर डाल रही हूँ, अपने टेस्ट अनुसार भी डाल सकते हैं इसको। दूध में भीगा हुआ केसर तो मैंने इसको भी मिला दिया है, ये उबलने के बाद अपना टेस्ट देगा। तो मैं इसे फिर से उबलने के लिए इंतजार करूंगी। जैसे ही ये उबलने लगेगा मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का पेस्ट डालूंगी जिससे ये टाइट हो जाएगी और बिल्कुल स्वादिष्ट हमारे खीर कह सकते हैं आप इसको। वैसे मैंने इसको नाम दिया छेना खीर का। 2-3 चम्मच पानी के साथ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना दिया है। पतला होना चाहिए हमारा पेस्ट और इसे एकदम इसमें नहीं डालना दोस्तों। ये ध्यान रखना कि हमें जब ये डालना है तो इसे हम चलाते रहेंगे और डालते रहेंगे, नहीं तो नीचे जाके ये गांठ बना सकता है, ये जम जाएगा नीचे और इससे गांठ बन जाएगी। तो उसको अवॉइड करते हुए हमें ये ऐसे मिक्स करना है। देखिए दोस्तों ये हमारी खीर तैयार है। कि ये हम गरम में या आग पे रखे हुए केवड़ा एसेंस नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर उबलते हुए में हम केवड़ा एसेंस मिलाएंगे तो सारी महक निकल जाएगी। तो जैसे ही हमारी ये पक के इसे हम आग से उतार लेते हैं और इसमें केवड़ा एसेंस मिला सकते हैं। इसे चिल्ड या गरम भी खा सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। वैसे गर्मी में अगर आप इसे चिल्ड करके खाएंगे तो कुछ और ही मजा आएगा। अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसमें थोड़ी सी हवा निकालने के बाद तो मैं अपना केवड़ा एसेंस मिक्स कर दिया है मैंने। ये हमारी खीर तैयार है, अब हम सर्व करते हैं इसको।